हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दीक्षा पोर्टल पर एक से एक शानदार कोर्स मौजूद हैं और ये सारे कोर्स हमें आज नहीं कल करने ही हैं, तो आप इन कोर्सेज को समय रहते कर लीजिए। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही कोर्स लेकर आया हूं जिसका नाम है चिंतन, सीखने का एक जरिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है, बहुत ही अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। मैं इसके भाग 6 आकलन का वीडियो लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस प्रशिक्षण को लीजिए। अगर आपको यह प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल पर दिखाई नहीं पड़ता तो मैं इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लिंक से ओपन कर लीजिएगा, आपको यह प्रशिक्षण मिल जाएगा और उसके बाद आराम से इसे पूरा करिएगा। जब पूरा हो जाएगा जो है तो भाग 6 आकलन का जो है, जहाँ आपका आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, उसका मैं यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ, आप उसको देख करके सारे प्रश्नों को सही सही कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो और आपको दिखाते हैं कि इस कोर्स में क्या प्रश्न आपके लिए पूछे गए हैं। चिंतन, सीखने का जरिया, आकलन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आपके सामने आ रहा है ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। नीचे दी गई स्थितियों में से किस स्थिति में सही तरीके से चिंतन किया गया है? कशिश अक्सर अपने जर्नल में अपनी कक्षा के बच्चों की सभी परेशानियां और उनसे जुड़े अनुभव अपने जर्नल में लिखती है। अमर अपनी कक्षा के बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं और बारीकी से पाठ्यक्रम के मापदंडों के अनुसार उनके विकास को अपने जर्नल में नोट करते हैं। हर्षाली अक्सर बच्चों की परेशानियों को अपने जर्नल में लिखती हैं और उनके कारण अपने व्यवहार, बच्चों के व्यवहार, अपने मूल्यों और स्कूल के सामाजिक वातावरण में खोजने की कोशिश करती हैं। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा जो है सही तरीके से चिंतन किया गया है, पहला, दूसरा या दूसरा या दूसरा तीसरा या फिर तीसरा, कौन सा विकल्प आपका सही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका आखिरी विकल्प यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ जो है ऑप्शन नंबर 4 है। और आपका जो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है जो है वो सही है, यानी हर्षाली अक्सर बच्चों की परेशानियों को अपने जर्नल में लिखती है और उनके कारण अपने व्यवहार, बच्चों के व्यवहार, अपने मूल्यों और स्कूल के सामाजिक वातावरण में खोजने की कोशिश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आप देखिए इस प्रश्न को। नीचे दिए गए सवालों में से कौन सा सवाल आपको गहराई से चिंतन करने में मदद करेगा? क्या जो शिक्षण प्रक्रिया कक्षा में मैंने इस्तेमाल की वह बच्चों के लिए मज़ेदार थी या नहीं, या जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की वह किस पर शिक्षक या छात्र केंद्रित थी और क्यों, जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की उससे पाठ के उद्देश्य पूरे हो पाए या नहीं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सवाल आपको गहराई से चिंतन करने में मदद करेगा। तो आइए दिखाते हैं हम आपको इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं आप विकल्प नंबर 2, यानी जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की वह किस पर शिक्षक या छात्र केंद्रित थी और क्यों। ये अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। कोर्स में आपने शिक्षाविद ड्यूई के विचारों पर आधारित चिंतन के स्तरों के बारे में जाना, क्या आप इन स्तरों का सही क्रम चुन सकते हैं? पहला है तुरंत अनुभव से कुछ शुरुआती समझ बनाने की कोशिश करना, किसी अनुभव से उलझन और व्याकुलता महसूस होना, तर्क वितर्क की मदद से परिकल्पनाओं को जांचना, परिकल्पना को कक्षा में इस्तेमाल करके देखना, परेशानी को सुलझाने के लिए कुछ परिकल्पनाओं की रचना करना, बौद्धिक मंथन के बाद असल परेशानी तक पहुँचना। तो इनको सही आर्डर में लगाना है, सही सीरियल क्रम में इनको लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके सामने देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनका सही आर्डर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप इसका आंसर देख लीजिए, ये है आपका जो है दूसरा विकल्प सही है, यानी पहले दूसरा आएगा, पहला आएगा, छठा, पांचवा, तीसरा और चौथा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है आपके सामने लाते हैं, आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न को। साकिब जी एक नए शिक्षक हैं, एक दिन इनकी कक्षा में अचानक 2 बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। ये दोनों बच्चों को डांटते हैं और उन्हें कक्षा से बाहर निकलने को कहते हैं।
ये सब होने के बाद साकिब को लगा कि समस्या हल हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद इन बच्चों में फिर लड़ाई हो गई। साकिब जी, बच्चों के बीच हो रही लड़ाई और उसी कक्षा में आने वाली परेशानियों का हल क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? सबसे उपयुक्त जवाब चुनें। तो इसका आंसर है, पहला ही विकल्प सही है। इसमें क्वेश्चन जो है का जो था मैं उसका नहीं ले पाया, ये आंसर ही है इसका। साकिब जी ने परिस्थिति के बारे में शुरुआती समझ बनाई और उसी तक सीमित रहे, यही इसका राइट आंसर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। करमपाल जी की कक्षा में बच्चे अक्सर देर से आते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने उन बच्चों की प्रशंसा करनी शुरू कर दी जो वक्त से पहले या वक्त पर आते थे। क्या आप बता सकते हैं कि करमपाल जी चिंतन के कौन से स्तर पर काम कर रहे हैं? बौद्धिक मंथन के बाद असल परेशानी का पता लगाना, या तर्क वितर्क की मदद से परिकल्पनाओं को जांचना, या परिकल्पना को कक्षा में इस्तेमाल करके देखना, या परेशानी को सुलझाने के लिए परिकल्पनाओं की रचना करना? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका विकल्प नंबर थर्ड, यानी परिकल्पना को कक्षा में इस्तेमाल करके देखना, ये आपका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। काव्या कक्षा 6 को हिंदी पढ़ाती हैं। इनकी कक्षा में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अक्षर पहचानने में भी परेशानी होती है। अगर काव्या बच्चों की मदद करना चाहती हैं तो उन्हें किन बिंदुओं पर चिंतन करना होगा? बच्चों के व्यवहार और कक्षा में उनके स्वभाव पर, पाठ्यक्रम में दिए गए पाठों की जानकारी पर, बच्चों के सामने भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर आ रही रुकावटों पर, या पाठ्यपुस्तक में दिए गए अक्षरों की बनावट पर? तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। दोस्तों आप देखिए, आपके सामने इसका आंसर है और आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, यानी बच्चों के सामने भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर आ रही रुकावटों पर, यही जो है ऐसा बिंदु है जिन पर चिंतन करना है, और यही आपके प्रश्न का जो है यहाँ पर राइट आंसर है, सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको। करतार जी अक्सर अपने जर्नल में लिखते हैं कि वे सभी बच्चों को कक्षा में भाग लेने के बराबर मौके देते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर अपनी शिक्षण तकनीकों में बदलाव लाते हैं, लेकिन अपनी कक्षाओं की रिकॉर्डिंग देखने पर इन्होंने पाया कि ये अक्सर लड़कों से ही सवाल पूछ रहे थे और लड़कियों को कक्षा में भागीदारी के कम मौके मिले। करतार जी की समझ में इस अंतर के क्या कारण हो सकते? ये चिंतन करते समय अपनी शिक्षण तकनीकों पर विचार नहीं करते? लड़कों और लड़कियों के लिए जो इनकी सामाजिक धारणाएं हैं उनसे ये अनजान हैं? ये अपनी कक्षा की लड़कियों का विकास नहीं चाहते? ये चिंतन करते समय कक्षा में अपनी भूमिका पर ध्यान नहीं देते? तो आइए देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है, लड़कों और लड़कियों के लिए जो इनकी सामाजिक धारणाएं हैं उनसे ये अनजान हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं इसको। निष्पक्ष चिंतन करने के लिए आप किस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे? निजी जर्नल लेखन, कक्षा की प्रक्रियाओं पर बच्चों से फीडबैक लेना, शिक्षक समूह में चर्चा, ऊपर दिए गए सभी विकल्प। अब आपको देखना है यहाँ कि पहला और दूसरा सही है या तीसरा सही है, चौथा सही है या पहला और दूसरा और तीसरा सही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी जो स्टेटमेंट है आपका वो दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा यानी कक्षा की प्रक्रियाओं पर बच्चों से फीडबैक लेना और शिक्षक समूह में चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। यहाँ पर देखिए, समर अपनी कक्षा में आई कुछ चुनौतियाँ अपने साथियों के साथ बांट रहे हैं। बैठक के अंत में इनकी मित्र इन्हें बताती हैं कि अपनी चुनौतियों सबके साथ बांटते समय इनसे कुछ गलतियां हुई हैं। क्या आप वे गलतियां पहचान सकते हैं? समर कह रहे हैं, मेरी कक्षा में एक बच्चा है कमल, वो बहुत ही शरारती है, कभी अपनी जगह पर नहीं बैठता। उसके पिता से कई बार मैंने इसके बारे में बात की, वे पास वाली दुकान पर ही काम करते हैं इसलिए उनसे अक्सर बात हो जाती है, लेकिन वह शायद कमल की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो बच्चों का नाम बांटना, बच्चे की निजी जानकारी बांटना, चुनौती तर्क संगत तरीके से रखने के बजाय अपनी निजी अवधारणा अपने शिक्षक साथियों के सामने प्रस्तुत करने में चर्चा, बच्चे के शैक्षिक विकास की बजाय उनके व्यवहार के बारे में चर्चा करना। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब जो आपका विकल्प नंबर पहला, दूसरा और तीसरा,
यानी बच्चे का नाम बांटना, बच्चे की निजी जानकारी बांटना, चुनौती तर्कसंगत तरीके से रखने की बजाय अपनी निजी अवधारणा अपने शिक्षक साथियों के सामने प्रस्तुत करने में चर्चा, ये तीनों ही यहाँ पर आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आप देखिए, चिंतन करने के लिए अगर आपको समय नहीं मिल पाता तो इस समय से निपटने के लिए आप किस उपाय को चुनेंगे? कक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग, अपने विचारों की वोट्स रिकॉर्ड करना, अपने विचारों को विस्तार से जर्नल में लिखना, अपने दोस्तों से अपनी समस्याओं पर चिंतन करने को कहना और उनके विचारों को लिखना। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2, अपने विचारों की वोट्स रिकॉर्ड करना। तो इस तरह से दोस्तों जो है ये प्रशिक्षण आपका पूर्ण हुआ, यह भाग आपका जो है पूर्ण हो गया। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी चीज़ें लेकर आता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।